हिसार जिले में बिना किसी मान्यता के चलाए जा रहे निजी स्कूलों के खेल में पढ़ने वाले हजारों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। फर्जी स्कूलों का सारा गोरखधंधा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के शह पर चल रहा है। फर्जी के खेल में यहाँ सब कुछ असली सा चल रहा है। हिसार जिले में एक दो या तीन नहीं बल्कि 158 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास इसकी कोई मान्यता ही नहीं है। बिना किसी मान्यता के ये स्कूल धड़ल्ले से चल रहे हैं और ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग के पास इन फर्जी स्कूलों की कोई जानकारी ही नहीं हो। धांधली चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, व्यापार चल रहा है शिक्षा के नाम पर। 158 स्कूल अनरिकॉग्नाइज्ड उनके नीचे उनके डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि नियम ये कहता है कि इस प्रकार के स्कूल कोई भी नहीं चल सकता। और हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि इस प्रकार के 2012 में आ गए थे, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इस प्रकार के जो स्कूल अनरिकॉग्नाइज चल रहे हैं उनको तुरंत बंद किया जाए। फर्जी के खेल में स्कूलों के रक्षक भी सरकारी तंत्र से जुड़े लोग हैं। बिना किसी मान्यता के चलाए जा रहे स्कूल अपने चढ़ावे के बूते बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कहते हैं कि कंप्लेंट दीजिए, कंप्लेंट देने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लेता। चलते रहने पीछे कारण है भ्रष्टाचार। वो ऑफर कर देते हैं और उनको समय देते रहते हैं, जबकि नियम ये कहता है कि इस तरह के स्कूलों को तुरंत बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। फर्जी स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग और प्रशासनिक तंत्र के रवैये से परेशान होकर अब इन फर्जी स्कूलों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दस्तक दी गई है। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार ब्यूरो। और भिवानी जिले में तकरीबन 150 फर्जी स्कूल धड़ल्ले के साथ चल रहे हैं। शक यह है कि फर्जी स्कूलों का यह आंकड़ा 400 तक पहुंच सकता है। मौलिक शिक्षा निदेशक ने फर्जी स्कूलों के संबंध में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। यह भी पूछा है कि इन स्कूलों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। भिवानी जिले में चल रहे फर्जी निजी स्कूलों और शिक्षा अकादमियों को लेकर अब हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मौलिक शिक्षा निदेशक ने भिवानी के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से फर्जी स्कूलों के संबंध में रिपोर्ट तलब करते हुए अब तक इनके खिलाफ की गई कार्रवाई का भी जवाब मांगा है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजपाल परमार की ओर से जिले भर में चल रहे लगभग 141 फर्जी स्कूल और शिक्षा अकादमियों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है। इस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब तलब करते हुए इन्हें बंद कराए जाने के निर्देश जारी किए। इसी को लेकर अब मौलिक शिक्षा निदेशालय भी हरकत में आ गया। फर्जी स्कूलों और शिक्षा अकादमियों को लेकर चल रहे हाई कोर्ट में केस की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। इससे पहले ही मौलिक शिक्षा निदेशालय अपनी साख बचाने के लिए अब आनन फानन में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से फर्जी स्कूलों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब करने में जुटे हैं। जबकि लंबे अरसे से ये फर्जी शिक्षा संस्थान शिक्षा अधिकारियों की रहनुमाई में अभिभावकों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। इस बारे में स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजपाल परमार ने बताया कि हाईकोर्ट के सख्त आदेशों के बावजूद शिक्षा विभाग अब तक इन्हें नोटिस थमाकर हाथ पर हाथ धरे बैठा है। अगली सुनवाई में न्यायालय में उन लापरवाह अधिकारियों के कारगुजारियों का पर्दाफाश भी किया जाएगा और उनके खिलाफ माननीय कोर्ट से सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने एवं पद से बर्खास्त किए जाने की मांग भी उठाई जाएगी। आगे शिक्षा जो निदेशक मौलिक शिक्षा है उसने आदेश दिए हैं अपने मौलिक शिक्षा अधिकारी को, जो हाईकोर्ट में जनहित संगठन की तरफ से जनहित याचिका डाली गई थी उसमें जो हाईकोर्ट ने आदेश किए हैं फर्जी स्कूलों को बंद करने के लिए, उसके तहत जो निदेशालय ने इनसे रिपोर्ट मांगी है भी अब तक आपने इन स्कूलों पर क्या एक्शन लिया गया है और एक्शन नहीं लिया है तो क्यों नहीं लिया है, इसका कारण बताया जाए, तो उन्होंने रिपोर्ट मांगी है और 18 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई है। इसलिए ये बाजते फिरे हुए हैं क्योंकि हाईकोर्ट ने इनको पिछली बार फटकार लगाई थी और अब की बार अगर इन्होंने रिपोर्ट हाईकोर्ट में नहीं सौंपी तो मैं इनके खिलाफ हाईकोर्ट से मांग करूंगा कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। गौरतलब है कि भिवानी जिले में 71 फर्जी स्कूलों और शिक्षा अकादमियों के बाद 34 फर्जी स्कूलों के मामले सामने आए हैं लेकिन अब 36 फर्जी स्कूलों और शिक्षा अकादमियों का खुलासा हुआ है। अब कुल मिलाकर फर्जी शिक्षण संस्थानों की संख्या 141 तक पहुंच गई है।
जो आंकड़ा अभी 400 तक पहुंचने की आशंका है। टोटल न्यूज के लिए भिवानी से इंद्रवेश दोहन की रिपोर्ट।